हे गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल और मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज फैशन योर चेतना और इन दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक मसाज क्रीम। फेस मसाज क्रीम है ये, और ये जो ब्रांड है उसका वो बायोटिक है। तो मेरे वीडियो के साथ में कंटिन्यू बने रहिए और देखिए कि मैं यहाँ पे जो फेस मसाज क्रीम शेयर करने जा रही हूँ वो कैसी है, और इसका डेमो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो गाइज, यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँ बायोटिक क्वीन सीड नरिश फेस मसाज क्रीम, जो कि बहुत अच्छी क्रीम है, एकदम फ्रेश फील देती है। इस क्रीम का जो प्राइस है वो है 230 रुपीज, बट ये नायका, अमेजोन, मिंत्रा पे आपको डिस्काउंट के साथ में इजीली 196 रुपीज, 190 रुपीज, 180 रुपीज, 185 रुपीज में आपको इजीली मिल जाएंगी, जिसके अंदर आपको मिलता है 50 ग्राम प्रोडक्ट। और ये जो क्रीम है वो आपको वीक में वंस या टू टाइम्स आपको यूज करनी है। अगर आपकी बहुत ज्यादा डेड स्किन है फेस पर, या बहुत मतलब डार्क फेस है आपका, आप कहीं बाहर जाते हो, टैन हो जाती है, आपको डार्क फेस हो जाता है जिस वजह से, तो आप इसको वीक में 2 या 3 टाइम्स इसको यूज कर सकते हो। एकदम हर्बल है, आयुर्वेदिक क्रीम है, तो बहुत अच्छी क्रीम है। मैंने इसे ट्राई भी किया है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में इसका एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, और मैं आप लोगों के साथ में इसका डेमो भी शेयर करूंगी। एक चीज मैं आपको बता दूंगी, ये जो क्रीम है वो थोड़ी सी अप्लाई करने के बाद, जब हम इसको 10 टू 15 मिनट मसाज करते हैं और अपना फेस वॉश करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे फेस को नरिश कर देती है, क्योंकि ये मिलकर बनी है क्विन सीड से, जो हमारे फेस को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। फेस वॉश करने के बाद में हमें जो है थोड़ा सा ऑयली तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक तरीके से हमें मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की जरूरत नहीं रहेगी, हमारा फेस ऑटोमेटिकली मॉइस्चराइज हो जाएगा। जिन लोगों की ऑयली स्किन है उनको मे भी थोड़ा ऑयली या ग्रीसीपन लग सकता है, जिनका नॉर्मल स्किन टोन है, या जिनका नॉर्मल या कॉम्बिनेशन स्किन है, या फिर यूं कहूं कि जिनका ड्राई स्किन है, उनको एकदम नॉर्मल लगेगी ये क्रीम। और इसको जो आपको वीकली 10 टू 15 मिनट आपको मसाज करनी है, और जिनका 10 स्किन है उनको वीक में 3 टाइम्स को मसाज करनी है। इसका प्राइस जो है काफ़ी अफोर्डेबल है, रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के बाद आपको बोल रही हूँ। तो मस्ट आप ये क्रीम जो है ट्राई कर सकते हैं। अगर आप कोई फेस की मसाज क्रीम ढूंढ रहे हैं तो बायोटिक ही ट्राई कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मैं आप लोगों को इसका एक डेमो शेयर करूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको ये क्रीम जो है वो कैसे यूज करनी है। ये है क्रीम, अब मैं इसको इस तरीके से अपने हैंड पर लूंगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद में मैंने ये बॉल में पानी लिया है, मैं थोड़ा सा वाटर जो है अपने हैंड पर डिप करके इस क्रीम में इस तरीके से वाटर को डिप मिक्स करके वाटर को क्रीम के अंदर और मसाज करूंगी। आपको इस तरीके से सर्कुलर मोशन में और इस तरीके से मसाज करनी है कंटिन्यूसली। 10 टू 15 मिनट तक आपको मसाज करनी है। मसाज करने के बाद में मैं अपना फेस जो है वॉश करके आ जाऊंगी और आपको बताऊंगी कि मसाज करने के बाद कैसा दिखता है फेस। क्रीम में वाटर कम लगे तो आप अगेन बॉल में से वाटर लेकर इस तरीके से आप कर सकते हैं, पर आपको ये प्रोसीजर जो है 10 टू 15 मिनट तक रिपीट करना है। ये आपके पाम को इस तरीके से करना है, देन चिन एरिया पर, फोरहेड पर, अभी मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है, मैं टॉवल से अपना फेस अच्छे से पोंछ लूंगी इस तरीके से। तो मुझे अपना फेस जो है बहुत लाइट वेट फील हो रहा है, और
उसके साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी मॉइस्चराइज स्किन लग रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। लाइट इसलिए लग रहा है कि शायद मे बी कोई टैन हो या जो भी डर्ट हो वो सारी रिमूव हो गई है, तो मेरे स्किन के पोर्स जो हैं वो अच्छे से क्लीन हो गए हैं, इसलिए मुझे बहुत लाइट वेट फील हो रहा है। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सो गाइज, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक से भी आप मुझे मेरे वीडियो वॉच कर सकते हो। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो जीमेल आईडी पर मुझे पूछ सकते हो। सो गाइज, थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।